देखिए, अब आपसे मैं अपनी मजबूरियां क्या कहूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली अध्यापक की, मगर आपने जो ये किया है ये चमत्कार मेरे लिए तिरस्कार बन गया है। मुझे शक की नजरों से देखा जा रहा है। आपसे एक विनती है, आप ऐसा ना करें, मैं उसे विद्यालय में दाखिला नहीं दे सकता। क्या झिपरी को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है या नहीं? देखिए, वो मैं आप अधिकार नहीं है तो क्यों? क्योंकि वो लड़की है या वो समाज के ऐसे वर्ग से आती है जिसे समाज अपने बराबर का नहीं समझता? मैं ये बातें नहीं मानता हूं। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, पर मैं यहां समाज के नियमों को बदलने नहीं आया, और ना ही मैं बदल सकता हूं। तो फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे अध्यापक होने का उद्देश्य क्या है? अध्यापक वो होता है जो अपने छात्रों में कोई पक्षपात ना करे। अगर आप उसको पढ़ाना चाहते तो बिल्कुल पढ़ाइए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। मेरा झिपरी को पढ़ाना समस्या का समाधान नहीं है माधव, बल्कि समस्या को तुम्हारी नजरों में लाना है। विद्यालय के द्वार जब बेटियों के लिए खुलेंगे तो समाज जागरूक होगा, हिम्मत आएगी बेटियों में और उनके घर परिवार वालों में भी। हिम्मत आएगी समाज के उस वर्ग में जिसे समाज हमेशा अपने से नीचा समझता रहा। आत्मविश्वास पैदा होगा, स्वीकृति की भावना आएगी उनमें, बराबरी का एहसास होगा। साथ ही ये संदेश पुरुषों में जाएगा कि स्त्रियां उनसे कहीं कम नहीं हैं। बेटियां पढ़ेंगी तो ही समाज बदलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। अब अगर ये कार्य शिक्षा के माध्यम से नहीं होगा तो कहां होगा? इस विद्यालय को खोलकर तुमने नौकरी नहीं की है, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। इस जिम्मेदारी को निभाना अब तुम्हारे हाथ में है, अपने धर्म को निभाना अब तुम्हारे हाथ में है। फैसला तुम खुद कर सकते हो। ये कुछ और नहीं, साईं का चमत्कार। विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाता रहा मैं, सब खंडर की दीवार पर अपने आप लिखता चला गया, सिर्फ झिपरी के। इसीलिए विद्यालय में केशव ने जो कुछ भी पढ़ा वही साथ साथ में झिपरी ने खंडर में बैठकर पढ़ा। मैं जानता हूं तो सच कह रहा है माधव, वो है ही ऐसा, काला जादू करके लोगों को कहता है चमत्कार हो गया। चाहता क्या है वो? शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। उस दिन तो सबके सामने विद्यालय खुलने पर बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी उसने। हो सकता है उसके पश्चात उसने अपनी काली बुद्धि का प्रयोग कर झिपरी को अपना माध्यम बना लिया। चाहती क्या है झिपरी? पढ़ना चाहती है सरकार, और साईं का कहना है कि झिपरी को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। अरे ओ, तो ये चाल है गांव के सामने अपनी छवि को अच्छा करना चाहता है वो। हरिओ,
माधव, उस लड़की को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दे दो। क्या दादा, दादा ये क्या कर रहे हो तुम? वही कर रहा हूं जो सही है। मुझे उसकी चालें स्पष्ट होती जा रही है। अब समझ में आ रहा है वो क्या खेल खेल रहा है। सबसे पहले वैद्य बनने का ढोंगकर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया उसने। स्वागत है तुम्हारा काशी। उसके बाद मालसापति को अपने पक्ष में ले लिया। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है कुलकर्णी सरकार, वो भी बिना दहेज के। यही है साई कृपा। और अब ये लड़की, उस लड़की को शिक्षा का अधिकार दिलवाना चाहता है वो। एक तो अछूत ऊपर से लड़की, दोनों को शिक्षा का अधिकार दिलवाकर सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है। उसकी ये चाल मैं सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन कैसे दादा? अभी अभी तो तुमने इससे कहा ना कि उस अछूत को दाखिला दे दो। यही तो मेरी चाल है चू। उसके चाल के उत्तर में यदि मैं इस बार विरोध करूं उस लड़की के दाखिले का, तो हो सकता है कुछ लोग मेरे इस निर्णय से सहमत ना हो और साई का समर्थन करें, और मेरा विरोध साई का महत्व पोषित करेगा। इसलिए मैं साई की इच्छा का मान रखूंगा और उस अछूत कन्या को अवसर दूंगा शिक्षा प्राप्त करने का। लड़की और जाति की समस्या ना बनकर पात्रता योग्यता की समस्या बन के समाप्त हो जाएगी। लेकिन कैसे सरकार? लड़की को विद्यालय में प्रवेश चाहिए ना, तो उसके प्रवेश के लिए उसकी एक छोटी परीक्षा ले लो। अगर वो परीक्षा पार कर लेती है तो मिल जाएगा उसको प्रवेश विद्यालय में। परीक्षा तुम लोगे माधव, और ऐसे कि उसमें वो कभी उत्तीर्ण ना हो सके। अब तक जो पढ़ाया नहीं उस पर आधारित प्रश्न पूछना उससे। उसके माँ बाप क्या करते हैं? पिता तो नहीं है, माँ है। उपले बनाती है, घर घर आते हैं उसके उपले, बड़े अच्छे होते हैं। हरिओम। उससे इतने उपले मांगो कि जितने उपले बनाने का स्वप्न भी उसने कभी ना देखा हो। माँ बेटी को घर में बिठा के रखेगी, उपले बनवाएगी। अपनी प्रजा के उद्धार के लिए कितना कुछ करना पड़ता है माधव। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, और वो भी ऊंची जात के। और इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। अरे ओ, अरे झिपरी, तू ये फिर आ गई, तू ये नहीं पढ़ सकती। नमस्ते।
आप जो भी पढ़ाते हैं मैं सब सुन सकती हूँ। आज का पाठ पढ़ने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। शुरू करिए ना। तुम विद्यालय में पढ़ना चाहती हो सबके साथ? हाँ। ठीक, तो मैं कल तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। परीक्षा? वो क्या होती है? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और अगर उन सवालों का तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें इस विद्यालय में सबके साथ पढ़ने की अनुमति दूंगा। सच? मैं अभी साई को बता कर आती हूँ। साई, मुझे विद्यालय में पढ़ने देंगे वो? कौन? अरे वो गुरुजी, उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी परीक्षा लेंगे जिसके बाद मैं भी विद्यालय में पढ़ सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ले दो परीक्षा। हाँ, वो गुरुजी कह रहे थे कि वो मुझे सवाल पूछेंगे जिसका मुझे जवाब देना होगा, पर कैसे सवाल पूछेंगे और सिर्फ परीक्षा मेरी ही क्यों? किसी ने तो परीक्षा नहीं दी। लक्ष्मी, इस संसार में आकर भगवान ने भी परीक्षा दी है, तो फिर परीक्षा से घबराना कैसा? और तुम्हारी परीक्षा इसलिए बड़ी है क्योंकि इसमें अनगिनत झिपरियों के सपने छिपे हैं, उनकी शिक्षा प्राप्ति की राह छिपी है इसमें। अनगिनत झिपरियां? वो कहाँ है? मुझे तो आपकी बातें ना समझ में नहीं आती। मैं तो आपको बस परीक्षा के बारे में बताने आई थी। मैं चलती हूँ। लेकिन अगर सवाल जवाब ही परीक्षा है तो मैं आपसे दिन भर सवाल करती हूँ, इसका मतलब मैं भी आपकी परीक्षा लेती हूँ क्या? बिल्कुल सही समझ गई तुम। और जैसे मैं शांति से, धैर्य से तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ, वैसे ही तुम्हें परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। लेकिन अगर मैंने आपकी तरह उत्तर दिए तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। मैं तो ऐसे उत्तर दूंगी जो मैं उत्तर तो दे पाऊंगी ना। जरूर जरूर दे पाओगी उत्तर। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे अपने मालिक के इंसाफ पर पूरा यकीन है। मैं चलती हूँ। आज मेरी परीक्षा है जिसके बाद मैं भी यही विद्यालय में पढ़ूंगी। तुझसे किसने कह दिया मूर्ख कि तू यहाँ पढ़ सकती है? मैंने कहा है। और अगर तुम दोनों कोई परेशानी है तो विद्यालय से बाहर जा सकते हो। यही सिखाया तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? इस तरीके से बात करते हैं दूसरे इंसान से? इंसान कहाँ है ये, इन्हें तो मंदिर में भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। हाँ, लेकिन विद्यालय में अनुमति मिल सकती है। तैयार हो? सरकार की बात तो याद है ना, ऐसी परीक्षा होनी चाहिए कि इसके बाद कोई भी लड़की शिक्षा पाने के बारे में सोचने का साहस ही ना करे, समझे?
जिप्री, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें ठीक से? बढ़िया ये पढ़ाई करने वाली। तेरी माँ का दिमाग खराब हो गया जो तुझे यहाँ भेजा है। अपनी लड़की को गांव के लड़कों से बराबरी करने के सपने दिखा रही है। अरे लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए। अब मुख के बल गिरेगी, होश ठिकाने आ जाएंगे, इसके भी, इसकी माँ के भी। नमस्ते, मैं तातिया की आई। वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाएगा। कोई बात नहीं। अध्यापक जी, परीक्षा आरंभ कीजिए। जहाँ ज्ञान की देवी ही सरस्वती, जिस संस्कृति में लोपा मुद्रा, मैत्री, कार की जैसी महान स्त्रियों ने वेदों की ऋचाएं लिखी, वहां आज उन्हीं की भूमि पे एक बेटी को शिक्षा पाने से मैं कैसे रोकूं? यह धर्म? आज अगर झिपरी इस परीक्षा में सफल हुई तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तुम तैयार हो? क्या हुआ, सांप सूंघ गया? अभी तो परीक्षा आरंभ भी नहीं हुई है। मैं तैयार हूं। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर उनमें से तुमने 2 सवालों के भी जवाब सही दिए तो तुम्हें इस विद्यालय में दाखिला मिल जाएगा। यह तुम्हारा पहला प्रश्न। जिप्री, तुम्हें इस खाली जगह पर सही अक्षर लिखना है। इतना सोचेगी तो कैसे चलेगा? ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। ये सवाल छिपरी से पूछा गया था, तुमसे नहीं। इसके बाद ना कोई बीच में बोलेगा और ना कोई हरकत करेगा, समझ गए? सरकार आप यहाँ? अरे ओ, इस
उसमें अचंभित होने वाली कौन सी बात है? अपना विद्यालय है, विद्यालय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर ध्यान रखना भी तो मेरा कर्तव्य है। वैसे हो क्या रहा है यहाँ? परीक्षा हो रही है सरकार इस लड़की की। यदि इसने अध्यापक जी के प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो अध्यापक जी से विद्यालय में दाखिला देंगे। यदि उत्तर दे दिए का क्या अर्थ है? अवश्य उत्तर देगी, है कि नहीं? अध्यापक जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। जिब्री, तुम्हारे लिए दूसरा प्रश्न। अक्षरों को जोड़कर एक सही शब्द बनाना है। जैसे मैं शांति से, धैर्य से तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूं, वैसे ही तुम्हें परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बता बता। हरिओम, कितनी समझदार है ये लड़की, अद्भुत। यदि अध्यापक जी की अनुमति हो तो एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूं इस लड़की से? जी पूछ सकते हैं। ये है मेरा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। यदि तूने इसका सही सही उत्तर दे दिया तो तेरा दाखिला पक्का। पढ़ के बताओ इसे। पर ये तो मैंने सीखा ही नहीं। तो तुझे क्या लगा, तुझे सब आसान आसान सवाल ही पूछे जाएंगे? विद्यालय में दाखिले का मामला है, कोई मामूली बात नहीं। ये तो गिनती है,
इसमें क्या, उपले बनाती है ना, तो गिनती भी होगी। गिनती करना जानती हो, पर गिनती लिखना या पढ़ना नहीं। तो फिर हार मान ले और कह ले सबसे कि तू परीक्षा में असफल रही। ये साई का नाम क्यों ले रही है, जबकि साई तो यहाँ है ही नहीं। अध्यापक जी, झिपरी तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, अब तो आप इसे विद्यालय में सबके साथ पढ़ने की अनुमति देंगे ना? हरिओम।
अनुमति तो इसे अवश्य मिलनी चाहिए। कोई कारण ही नहीं है इसे रोकने का। लेकिन अप्पा जी, अनुमति से क्या होता है? अगर ये पढ़ना चाहती है तो तख्ती चाहिए, पुस्तकें चाहिए, वो कहां से लाएंगी बेचारी? अगर आप चाहते हैं कि झिपरी इस विद्यालय में पढ़े तो फिर कुछ भी संभव है। आप बस अनुमति दीजिए, तख्ती और पुस्तकों की व्यवस्था मैं करूंगा, मैं सब प्रबंध करूंगा। झिपरी, विद्यालय में तुम्हारा स्वागत है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.